जियोडेसिक कर्व के बारे में आज देखते हैं कि ये क्या चीज होता है। देखिए, हमने एक प्लैनेट बना रखा है और एक मॉडल बना रखा है जिस पर हमने रैंक लगा रखा है। देखिए, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और एक दूसरा पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए एक कर्व बन जाता है। अगर कर्व को इस सरफेस पे लेके आना है तो कर्व प्लेस ऑन द सरफेस, सरफेस सेलेक्ट करते हैं। देखिए, अब कर्व इस सरफेस पे आ जाता है। मगर अगर हम जियोडेसिक कर्व पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये क्या करता है कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस कर्व इस स्ट्रक्चर के कर्व को फॉलो करता है। ये वाला कर्व शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये एक तरीके का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व है ऑन ए कर्व सरफेस। देखिए, अगेन इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और अनचेक कर, सॉरी, और इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। अगेन कर थ्रू पॉइंट्स, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए, कर्व बनता है और हमको इस कर्व को प्लेन पे लाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए, ये पूरे प्लेन के ऊपर जाता है, इस कर्व के ऊपर। अगर जियोडेसिक कर्व पर कर्व करते हैं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच है उस कर्व को फॉलो करके आपको कर्व देता है। से ओके, अगेन कर्व थ्रू पॉइंट्स, इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं एंड राइट क्लिक करते हैं कर्व थ्रू पॉइंट्स, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए, कर्व इस ये वाला कर्व दो पॉइंट को होते हुए इससे इस स्ट्रक्चर से होकर जाता है। अगर हम जियोडेसिक कर्व को क्लिक करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इन कर्व के बीच में है उसको फॉलो करते हुए ये कर्व बनाता है इन पॉइंट्स के बीच में। ओके, इस तरीके से हम एक जियोडेसिक कर्व को बना सकते हैं इस तरीके के नॉर्मल कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पाथ को लेके। ओके,